मां शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली मां, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मां, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में गए थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने उन त्रिदेवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था मां ज्योता वाली। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे मां दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो तुमने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया था। तब तीनों लोक तुम्हारी जय जयकार से गूंज उठे। मां शेरा वाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। मां के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को मां का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था, कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना मां शेरावाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके चार हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया। मां ज्योता वाली बड़ी दयालु है, वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने। एक दिन करोड़ों के मालिक कीमतीलाल की अंतरात्मा से एक आवाज उठी, सेठ कीमतीलाल, गरीबों के खून पसीने और आंसुओं में भीगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली, लेकिन ये सब तो यहां के सुख के लिए किया। स्वर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ भी तो नहीं। अरे इतना सब कुछ है तो पुण्य कमा, भगवान का विशाल मंदिर बनवा। कीमतीलाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही एक अति भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद झोलियों के मुंह खोल दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर रात दिन जुट गए उस कार्य में। तभी एक दिन फटेहाल एक साधु वहां से निकला। साधु कीमतीलाल के पास आकर बोला, सेठ जी, सुना है और देख भी रहा हूं कि आप स्वर्ग में ठाठ बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो। कीमतीलाल अभिमान से बोला, सही सुना है तुमने, मैं ये मंदिर इसीलिए बनवा रहा हूं। कहो क्या आज्ञा है? साधु बोला, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास केवल ये सुई है, छोटी सी सुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा हर इंसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुंचोगे। अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे? कीमतीलाल बोला, अरे बाबा जल्दी कहो, आपका काम हो जाएगा। साधु ने कहा, यह सुई भी अपने साथ लेते जाना, मैं जब स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे तो यह सुई सीने के काम आएगी। साधु की इतनी सी बात सुनते ही कीमतीलाल की आंखें खुल गईं।
वो उस महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित मुझे स्वयं यही देवी मां की आराधना भक्ति और सेवा से करना होगा, वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमती लाल को सही राह दिखाकर अपनी राह चलता बना। उसके होंठों पर मां की भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे, कोई तुझसे भवानी मजायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के माँ औलाद मांगेगा, जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी। खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे, कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे, जैसी जिसकी तलब होगी देगा अर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। किसे क्या कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है, भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है, समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। मैया पहाड़ा वाली की लीला ही न्यारी है।
वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीब दास बहुत ही गरीब था। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो, ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीब दास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीब दास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बियाबान जंगल में, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे, क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीब दास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीब दास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीब दास की आंखें चुंधिया गईं। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था। फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीब दास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीब दास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा। हे शक्तिदायिनी, मेरा वाली मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली। चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीब दास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीब दास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा। सुनो 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 बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, मुझा मेरी ओ बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। माँ शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है। फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे, मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं। वो मनुष्य के अंग खरीद कर अच्छे पैसे देता है। तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा?
बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा। तब संत ने कहा, तो ठीक है, दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे दो हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे, मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा तो ऐसा करो, अपनी दोनों टांगें उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो दो ना सही, एक टांग ही बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं। नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है, पूरा शरीर 1,00,000 में बेच दो। नौजवान बोला, 1,00,000 तो क्या, अगर कोई 1,00,00,000 भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें, भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का यह शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को। नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, वत्स, मानव शरीर एक अपार खजाना है, अपने हर अंग से काम लो, इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदम्बे का आह्वान कर, मां शेरावाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी, तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के दर्शन कर। बसी हो कण कण अंदर माँ, तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम मूढ़ मती हम अनजाने, हम मूढ़ मती हम अनजाने, माँ सार तुम्हारा क्या जाने। जान सके हम मोह की निद्रा सोए रहे, माँ इधर उधर ही खोए रहे। तू सूरज तू ही चंद्रमा, तू सूरज तू ही चंद्रमा, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। समंदर माँ तू पर्वत तू ही समंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में।
अगन में हो। कहते हैं अंबर और जमीन तुम सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं। फल फूल तुम्ही हो तरवर माँ, फल फूल तुम्ही हो तरवर माँ। हम ढूंढते रह गए मंदिर में, दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी, पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गर्माया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया, एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था। प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया, रानी को महल से घसीटकर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है। तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए सभी हर जाते हैं। शेरावाली वाली हो, जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकर बन जाते हैं मोती माँ। शेरावाली वाली हो, तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों।
भरने वाली माँ। के माँ हो नाम दीवानों को मोहमाया भटकाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। संकट हरती हो हो, फिर ये तेरा बंदा निर्बाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी, पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गर्माया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया, एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था, प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया, रानी को महल से घसीट कर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है। तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। हम रानी जय हो तेरी,
जैसे पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। जाते हैं मोती माँ, शेरावाली माँ, लाटावाली। ओ तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। भटकाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। संकट हरती हो शेरावाली माँ, लाटावाली। हो फिर ये तेरा बंदा निर्बाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। एक दिन एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ राजा वीर सिंह के नगर में आए। राजा ने विनय पूर्वक उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा ने यह कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि वे किसी की भीख स्वीकार नहीं करते। महात्मा बोले, राजन, अगर तू हमारी 3 बातें 3 लाख में खरीद ले तो अवश्य हम तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। राजा तैयार हो गया। महात्मा बोले, पहली बात है कि तू सुबह सुबह सूर्योदय से 2 घड़ी पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी बात है अतिथि का आदर सत्कार जी जान से करना। तीसरी बात है क्रोध आने पर शांति रखना। राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया। सूर्योदय से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, रो क्यों रही हो। उस औरत ने कहा, मैं होनी हूं, रो इसलिए रही हूं कि इस देश का राजा 2 ही दिन के बाद मारा जाएगा। उसे सामने वाले पर्वत से निकलकर एक नाग डसेगा। राजा के मरते ही प्रजाजनों में हाहाकार मचेगा और पड़ोसी देश का राजा उसके राज्य पर धावा बोल देगा, उसके राज्य को नष्ट कर देगा। राजा सोचने लगा, महात्मा की पहली बात का पालन करने से
ये लाभ हुआ कि मुझे अपने ही मरने की खबर 2 दिन पहले मिल गई। राजा के कहने पर मंत्रियों ने राजकुमारी को राजा के रूप में राज्याभिषेक करके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत की खबर दे दी और कहा, मेरी पुत्री के पश्चात उसका पति राज्य संभालेगा। राजा ने स्वयं अपने प्राण लेने वाले अतिथि नाग देवता के स्वागत की तैयारी की। पर्वत से लेकर नगर तक के रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए, मार्ग पर फूल बिछाए गए, इत्र छिड़का गया, जगह जगह दूध भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता तृप्त हो सके। नियत समय पर नाग देवता पर्वत से निकले, अपने स्वागत में की गई तैयारियों को देखकर भाव विभोर उठे। राजा के पास पहुंचकर नाग देवता बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे नाग देवता, मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नाग देवता बोले, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है, तुम्हारी मौत मैं अपने पर लेता हूं। इतना कहकर नाग देवता वहीं निर्जीव होकर ढेर हो गए। राजा ने सोचा, महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नवजीवन मिला है। प्रजाजनों और दरबारी सभासदों की जय जयकार के बीच राजा महल में पहुंचा। अपनी रानी को एक पराये पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध आया, उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। तभी उसे महात्मा की तीसरी बात याद आई। महात्मा ने कहा था, क्रोध आने पर शांति रखना। और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मां के गले लग रही थी। राज्याभिषेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आज्ञा के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था। महात्मा की तीनों बातों ने ये 3 चमत्कार कर दिखाए। जब मां की कृपा होती है तो वो अपने भक्तों की झोलियां वरदानों से इसी प्रकार भर देती है। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे। ओ सारे जक्की वाली, ओ सारे जक्की वाली, ओ ऊंचे मंदिरों वाली, ओ ऊंचे मंदिरों वाली, द्वार तुम्हारे आकर मैया, द्वार तुम्हारे आकर मैया, कहता है हर एक सवाली। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, माँ झोलियां भर दे। मां संसार मार्ग में आने वाले दुखों के कांटे दूर करके अपने भक्तों की झोली में सुख शांति के फूल भर देती है। फूलों की कोमलता, फूलों के रंग, फूलों की महक कुदरत के करिश्मों का सुंदर खजाना है। राजा महेंद्र फूलों से बहुत प्यार करता था। फूलों के लगाव ने उसे सुंदरता का पुजारी बना दिया था। वो प्रजा पालन के कर्तव्य से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन संध्या होने के समय राजा की सेज सजाने का काम चमेली नाम की मालन को सौंपा गया। सेज इतनी सुंदर, महकदार और कोमल सजी थी
कि चमेली का मन हुआ कि एक पल वो भी उस पर लेटकर आनंद लूट ले। वो एक दो पल के लिए ही लेटी थी कि उसकी आंख लग गई, वो गहरी नींद सो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो चमेली को सेज पर लेटे हुए देखकर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने आओ देखा न ताओ चमेली की चोटी पकड़ी और जोर से खींचकर उसे फर्श पर गिराकर दहाड़ा। अरे बेशर्म, तेरी ये मजाल कि तू हमारी सेज पर लेट गई। लेकिन चमेली तो रोने चीखने चिल्लाने की बजाय ताली बजा बजा कर हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, नाचने लगी। राजा का क्रोध और भड़क उठा। उसने सिपाहियों को बुलवाकर मालन को कोड़े लगवाए। कोड़े पड़ते रहे और हर कोड़े के साथ चमेली की हंसी और भी ज्यादा गूंजने लगी, मानो वो उस महल और पूरे खानदान का मजाक उड़ा रही हो। राजा से जब सहन न हुआ तो उसने सिपाहियों को रुक जाने का आदेश दिया। सिपाहियों को रुकते देखकर चमेली फिर हंसी और बोली, बस थक गए? तब राजा ने चमेली से पूछा, अरे पगली, तुझे इतने कोड़ों की मार पड़ी फिर भी तू हंसती रही, तुझे दर्द नहीं होता? मालन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बोली, अन्नदाता, मैं तो घड़ी भर के लिए अपना कर्तव्य भूलकर फूलों की सेज पर लेटी तो इतने कोड़े खाने पड़े। हंसी तो इस बात की आ रही है कि जो राजा यानी आप मां जगदम्बे की भक्ति और प्रजापालन के कर्तव्य को भूलकर रात दिन भोग विलास में खोया रहता है, उसे भला कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और इतना कहकर फिर चमेली हंसने लगी। राजा का सर शर्म से झुका जा रहा था, चेहरा मुरझाने लगा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वो मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगा। तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा। नाओ पुरानी गहरा पानी दिखे दूर किनारा, तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा। जगदम्बे मेरी चिंता हर लो, मेरी चिंता हर लो, मेरी चिंता हर लो। हो सुखदाती माँ सुखों से मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो। मुझे पवन रूप में आओ या मां शेर पे चढ़ के, मां शेर पे चढ़ के, मां शेर पे चढ़ के। हो भव सागर से पार करो मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के। तेरे होते टूट न जाए मेरी आस का तारा,
तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा। मेरा चलनी सीना, मेरा चलनी सीना, मेरा चलनी सीना। ओ हुआ क्यों तेरे भक्तों का माँ मुश्किल जीना, माँ मुश्किल जीना, माँ मुश्किल जीना। अपनी जो तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा।